हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन शॉर्ट हैंड चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज कई दिनों से आपकी क्लासें नहीं ली जा रही थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आपकी क्लासें परमानेंटली जाएंगी। तो आपको पता होना होगा कि इसका जो पिछला दो क्लास था उसमें हमने आपको सामने डिस्कस किया था वाक्यांश 8 तक, ठीक, वाक्यांश 8 तक था। उसके बाद दिया हुआ था अभ्यास 52, ठीक, तो उसकी प्रैक्टिस कराया था आपको। तो आज ये जो आपका क्लास है ये ऑडियो क्लास में दिया जा रहा है, इसमें आपको इसका आपको आउटलाइन दे चुके हैं हम, ठीक। ये आउटलाइन कौन से हैं, वाक्यांश 9, 10, 11, 12, इसकी आउटलाइन आपको पहले ही दी जा चुकी है। तो आज इसी का आपको दिया जाएगा डिक्टेशन। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फ़िलहाल आज के डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। डिक्टेशन स्टार्ट होने में शेष है 5 सेकेंड। रेडी स्टार्ट। मामूली तौर पर जितने समय के लिए किए जाने योग्य होने या ना होने से जब चाहो तब संदेह नहीं है हो गए होते कह सकता है ऊपर कही गई सारांश यह है रहने वाले हैं कहा जाता है कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिनों के बाद कोई नहीं है कोई आवश्यकता नहीं एक तो यह है ही हो या ना हो जो कुछ किया है कहा जा रहा था जहाँ तक हो सके मुझको यह कहना है पहले ही कहा जा चुका है जैसा पहले कहा जा चुका है अब हमें मालूम हुआ है तुमने समझ लिया है तुमने देख लिया है क्या तुम बता सकते हो क्या तुम कह सकते हो कुछ नहीं हो सकता हो ही कैसे सकता है बतला देना चाहता हूँ कह देना चाहता हूँ हम नहीं कह सकते सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं हो रहा है जैसा पहले कहा गया था मैं तो पहले ही कहता था समर्थन करते हुए कहा उपस्थित करते हुए कहा करते हुए कहा कि जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं आवश्यकता नहीं मालूम होती जरूरत नहीं मालूम होती यह हो ही कैसे सकता है अब कुछ समय तक बड़े गौरव की बात है हमारे लिए बड़े गौरव की बात है हमारा यह प्रयोजन था हमारा यह प्रयोजन है हमारा यह प्रयोजन नहीं है हमारा यह प्रयोजन नहीं था जैसा पहले कहा जा चुका है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है सर्वसम्मति से पास हुआ
सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे यह निश्चय हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी समझ में नहीं आता, कुछ समय के लिए ही सही। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि यह मान भी लिया जाए, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है, मुझे यह जानकर दुख हुआ, मुझे यह सुनकर दुख हुआ। सभापति महोदय तथा भारतृगण, जिंदगी और मौत का सवाल, स्टॉप। तो दोस्तों, ये था आज का आपका जो वाक्यांश था, वाक्यांश 9, 10, 11, 12, इसका डिक्टेशन आपको दिया गया। इस डिक्टेशन को आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस में करिएगा, क्योंकि इसका आउटलाइन पहले ही दिया जा चुका है आपको वीडियो के रूप में। तो आज जो आपका ये डिक्टेशन है, ये आइडियो के रूप में दिया जा रहा है, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस आप तभी तक करिएगा जब तक कि आपसे सारे वर्ड हाथ से लिखने न लगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बार बार लिखते रहेंगे इसी डिक्टेशन को, तो आपके सारे वर्ड्स आपके माइंड में फेड हो जाएंगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अब जो इसका अगला जो क्लास होगा वो होएगा अभ्यास 53। तो वो अभ्यास 53 आपको अगली क्लास में कवर किया जाएगा, ठीक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।